क्या आप बता सकते हो एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर? क्या आप बता सकते हो एक हेक्टेयर में कितने मीटर? क्या आप बता सकते हो कि एक डेसीमीटर में कितने किलोमीटर? अगर आपको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो दोस्तों आज का हमारा सेशन इसी क्वेश्चन पे होने वाला है। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ बिकॉज आज के बाद फोर्थ सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग आगे जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे आयत को, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ग को, उसमें हम लोग पढ़ेंगे घन को, उसमें हम लोग पढ़ेंगे घनाभ को, और वहां पे ऐसे चेंजेस आपके सामने एग्जाम्स में मिलते होंगे कि आपको हेक्टेयर की चीज पूछता होगा, आपसे डेसी मीटर पूछता होगा, आपसे पूछता होगा मान लो आपका आंसर आ गया 100 वर्ग मीटर तो आपको चेंज करना होगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आज के बाद वो प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर सेशन। और उसके पहले अगर आपको चैनल पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते सेशन को, तो दिया गया है सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा और उसको आप अपने मन से चाहे जैसे याद कर सकते हो, बट आप ध्यान से समझना उसको। होता क्या है कि किलो, देखो किलो, और इसको हिंदी में मैं नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे ही लिखता जाऊंगा, बस आप ये समझते रहो। किलो हेक्टो हेक्टो डेटा, देखो डेटा को DECA मैं क्यों बता रहा हूं इसको स्पेशली, बिकॉज एक जगह अभी कंफ्यूजन होती है तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं। किलो हेक्टो डेटा मीटर, मीटर तो सिर्फ एम से डेसी, यही कंफ्यूजन होती है। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, आई सॉरी आई है, तो इसको डेका बोलते हैं और इसको डेसी बोलते हैं, किसी को कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी सेंटी और मिलीमीटर के भी क्वेश्चन आपसे मिलते होंगे। सो आज के बाद इन सारी प्रॉब्लम्स को हम खत्म करेंगे। हम कुछ स्टार्ट करते हैं। दिया गया किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, आपको बस इतना अज्यूम करना है कि ये सब सीढ़ियां हैं। क्या है? सीढ़ियां हैं, ठीक है। और इन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए आप सोच के देखो, अगर आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे हो, मान लो आप जब सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तब आपको एनर्जी ज्यादा लगती है, या सीढ़ी से उतर रहे हो तब एनर्जी ज्यादा लगती है, तो आप खुद सोच के बताओ कि आपको एनर्जी कब लगती है। जैसे मान लो किसी चीज को अगर हम ऊपर फेंकें तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, या कोई चीज ऊपर से छोड़ दी जाए तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो आपको पता होगा कि अगर हम ऊपर फेंकें तो एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, मतलब हमारे बॉडी से एनर्जी क्या होती है, लेस होती है। समझना इस चीज को ध्यान से। इसका मतलब जितने स्टेप आप ऊपर चलोगे, ध्यान से समझना, तो जब हमें ऊपर फेंकना होगा कोई चीज तो हमारी बॉडी की एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। लेस का मतलब कम होगी, इसलिए जब भी हम ऊपर चलेंगे तो उतने स्टेप से हम भाग देते जाएंगे, उतने 10 से भाग देते जाएंगे, याद रखना उतने 0 लगा के भाग देते जाएंगे। अभी मैं समझाता हूँ इस चीज को। और जितने स्टेप हम नीचे आएंगे, याद रखना क्योंकि अब हमें नीचे आने में ताकत नहीं लगती है, बल्कि हमारी एनर्जी में, हमारी बॉडी में लगता है कि अलग सी एनर्जी आ गई। मान लो किसी को आप उठा के छत से फेंक दिए, करना मत ऐसा, तो अगर आप छत से उठा के फेंक दिए तो आपको क्या होगा, तो आप देखो कि उससे लगेगा कि उसकी एनर्जी, उसकी बॉडी में ताकत आ गई है, वो जल्दी से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जल्दी से जब कोई चीज नीचे आती है तो वहां मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, अब आप लोगों को नॉर्मली पता होगा कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर पता है, लेकिन देखते हैं कैसे आता है। तो देखो एक मीटर कहाँ है आपका, तो मीटर आपका यहाँ पे है। अब सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पे है। कितने कदम नीचे आए, तो देखो मीटर से हम कितने कदम नीचे आए, एक एंड क्या, दो, तो हम सेंटीमीटर वाले पे आ गए, तो एक और दो कदम हम नीचे आए। इसका मतलब गुणा कितने से कराएंगे, तो एक जीरो इसके लिए और एक जीरो इसके लिए, यानी टोटल कितने से गुणा कराएंगे, 100 से। इसी तरह से जब आपको यहां पता चला कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो मैंने वो प्रूफ करके दिखाया कि ये 100 सेंटीमीटर कैसे होता है। दूसरा आपको पता होगा कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर, आपको पता होगा एक किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर। अब ये 1000 मीटर कैसे आता है, देखो किलोमीटर से आपको नीचे आना है ना, तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, देखो कितने जीरो, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछ लेता दोस्तों, ध्यान से समझना, अगर आपसे पूछ ले कि 1.2 किलोमीटर में कितने मीटर, तो लोग कंफ्यूज, कुछ नहीं करना है, ये जो 1.2 दिया है आप भी 1.2 लिख लो,
एंड मल्टीप्लाई बाई, अब देखो क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है मीटर कितने स्टेप पे आओगे, तो एक दो तीन, तीन स्टेप पे मल्टीप्लाई बाई कितना 1000, गुणा करा दो तो 1 10 से गुणा कराओगे तो ये इसका दशमलव खत्म हो जाएगा और बाकी दो जीरो बचेंगे तो दो जीरो लगा दो, यानी 1200 मीटर। तो कुछ भी पूछेगा उस वैल्यू को यहां रखना और कितने स्टेप नीचे आ रहा है उतने जीरो लगाकर हमें क्या कर देना है, गुणा करा देना। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे बनते हैं, बनते कैसे है? कि आपसे पूछेगा एक डेका मीटर या पूछेगा पांच डेका मीटर में, पांच डेका मीटर में कितने मिलीमीटर। अब अगर आपको सीरीज नहीं पता होगी तो आप चेंज नहीं कर सकते हो दोस्तों। अब आपको पता है डेका मीटर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे है और मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हो गया कितने इसके पीछे आ रहे हैं, एक दो तीन चार, ध्यान समझना, देखा यहां है तो एक दो तीन चार नीचे आएंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो पांच डेका मीटर पूछा था तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पांच लिखेंगे पहले से ही कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो एक दो तीन चार, यानी कि हमें कितने जीरो से गुणा कराना पड़ेगा, चार जीरो से क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। और जब गुणा करा देंगे तो हमारे पास, हमारे पास कितना हो जाएगा, ये चार जीरो, यानी आप जब काउंट करोगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 50,000 मिलीमीटर, ये डेका मीटर की प्रोसेस होती है। सो आई होप आपको चेंज करना ऊपर से नीचे वाला आ गया होगा। अब अगर हम नीचे से ऊपर चलते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि मिलीमीटर, ध्यान से सुनना, मिलीमीटर जो है जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिलीमीटर से रिलेटेड, तो आपसे पूछा कि एक मिलीमीटर में कितने मीटर, आपसे पूछा कि एक मिलीमीटर में कितने मीटर। अब देखो मिलीमीटर एक है तो ये एक लिख लो, कितने स्टेप ऊपर जाना है, ध्यान से सुनना, जब हमें ऊपर जाना है तो हमें क्या करना है, भाग करना है, क्योंकि एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जब भाग करेंगे तो हम यहाँ पे बटे का चिन्ह लगा लेते हैं, कितने स्टेप ऊपर जाना है, एक दो तीन, तीसरे स्टेप पे हम मीटर के पास पहुंच जाएंगे। देखो यहां से काउंट नहीं करेंगे, जिसके पास से चलेंगे वहां से नहीं, उसके ऊपर वाले से हमेशा हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो हम तीन स्टेप ऊपर चले हैं, इसका मतलब एक दो तीन, तीन जीरो लगा करके भाग दे देना है, यानी एक बटे 1000 मीटर होता है हमारा। इसी तरह से जब आपको वैल्यू चेंज करनी होती है तो कैसे करते हैं, जैसे कि यहां पर देखो क्या लिखा गया है, पांच डेसी मीटर में कितने किलोमीटर लिखा गया है। तो पांच डेसी मीटर का मतलब क्या हो गया कि हम कहां पे हैं, हम यहां पे, और किलोमीटर कहां पे है, ऊपर है। तो जैसे ही आपको पता चले कि ऊपर है तो हम कैसे करते हैं, पांच डेसी मीटर है तो पांच को पांच लिख लो, ऊपर का मतलब हम बटे का चिन्ह लगा दिए। अब डेसी मीटर यहां पे है और ऊपर जाना है तो कितने स्टेप जा रहे हैं, एक दो तीन और चार, इसका मतलब कितने जीरो से भाग देंगे, दो और दो चार। क्लियर, बस आपका आंसर आ जाएगा क्लियर एंड कट। उसके बाद अगर आपको दशमलव में बदलना है तो आप भाग देके दशमलव में बदल सकते हो। नेक्स्ट हमसे पूछा गया एक हेक्टेयर में कितने मीटर, अब देखो एक हेक्टेयर में मीटर पूछा गया, हेक्ट तो कहां है, यहां पे है, मीटर कहां है, नीचे है, यानी कि हमें नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो एक लिखा है तो यहाँ पे एक लिख लो आप। अब क्या करते हैं, नीचे आते हैं तो गुणा करने के चिन्ह लगा दिया हमने, हेक्टेयर यहाँ पे है, एक दो, कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं, दो स्टेप, यानी कि हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, तो एक हेक्टेयर में 100 मीटर होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है एक वर्ग मीटर में, क्योंकि तो ये चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताइए, आंसर आपका आ जाता है मीटर में, क्षेत्रफल आपसे पूछता है वर्ग सेंटीमीटर में, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल गलत सोच रहे हो, देखो कैसे सोच रहे हो गलत, देखो ध्यान से, ये जो एक वर्ग मीटर लिखा है ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एक मीटर का होल स्क्वायर, तो प्रॉब्लम नहीं। तो जब बच्चा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक मीटर को हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हैं, एक मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, जब दो जीरो का स्क्वायर करोगे तो दो और जीरो मिल जाता है, चार जीरो हो जाता है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखे तो एक वर्ग मीटर में कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन जो मुझे आपको समझाना था। अब बात आती है कि सर ये तो मीटर मीटर से हो गया, अब देखो अगर आपसे लीटर भी दिया है ना तो भी आप चेंज कर सकते हो, डजंट मैटर कुछ भी दिया है, चाहे मीटर हो चाहे लीटर हो, कोई भी
क्वांटिटी हो आप उसको पुट कर देना, जहां मीटर लिखा है यहीं पे लीटर लिख दो और सबके आगे लीटर लगाते जाओ, जैसे किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर, फिर लीटर, फिर डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिली लीटर। मिली लीटर तो आपने सुना होगा ना कितने एमएल होता है, तो आपको पता होगा कि एक लीटर में कितना एमएल होता है, एक लीटर में कितना एमएल होता है, तो आपको पता होगा सर एक लीटर में 1000 ml होता है। तो कैसे होता है देखो, एक दो तीन, तो एक दो तीन, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं तो हम गुणा करा देंगे, देखो लीटर से हम नीचे आ रहे हैं तो गुणा करा देंगे, जहां मीटर वहां लीटर। अब यहीं पे आप ग्राम लिख लेना, ठीक है, यहीं पे आप ग्राम लिख के भी चेंज कर सकते हो, जैसे किलोग्राम आप पढ़े होंगे, हेक्टोग्राम पढ़े होंगे, डेकाग्राम, तो यहाँ पे आप ग्राम लिख लेना, लीटर लिख लेना, मीटर लिख लेना। तो मतलब से एक क्वांटिटी आपको याद करनी है, आपको पूरी की पूरी सीरीज पता चल जाएगी। अब आपको पता होगा कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो देखो एक किलोग्राम हम यहाँ रहेंगे और कितने इससे नीचे आना पड़ेगा, एक दो तीन, यानी कि हमारे पास कितने जीरो से, तीन जीरो से गुणा करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई एक किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम आपका वैल्यू आ जाएगी। सो इस चीज को हमें बस, ये सेशन इसीलिए मैंने रखा था। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि 3 लीटर के को 50 ml के बोतलों में भरना है। जैसे मान लो 3 लीटर का दूध है, ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में ज्यादा इसकी क्वांटिटी को चेंज नहीं करना है, बड़ा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको मैं सिखा देना चाहता हूँ, बिकॉज जब आप पढ़ोगे ना आयतन उसमें यही सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो देखो यहाँ पे 3 लीटर को 50 ml के बोतलों में भरना है, तो कितने बोतलों की जरूरत पड़ेगी, 3 लीटर को 50 ml के बोतलों में भरना है, तो इसकी संख्या पूछिए। अब आप बताओ 3 लीटर और ये ml कितने बोतल लगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 लीटर का गैलन है उसको 1 लीटर में नापना है तो कितनी बार नापना पड़ेगा, तो आप फटाक से आंसर दोगे सर 5 बार नापना पड़ेगा। मैं पूछूं कि 10 लीटर का गैलन है और 2 लीटर के बॉक्स से नापना है तो कितनी बार नापना पड़ेगा, तो आप आंसर दोगे सर 5 बार नापना पड़ेगा। अब क्यों ऐसा कह रहे हो आप, बिकॉज ऑफ दैट कि आपके पास जो वैल्यू दी जा रही है 10 लीटर और जिससे नापा जा रहा है वो भी लीटर में। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि दोनों की जो मात्रक है, मैंने इसलिए लिखा है भारिता मापा निकाय और मात्रक में परिवर्तन, तो दोनों का जो मात्रक है वो सेम है, यहां पे दोनों का मात्रक सेम नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम मात्रक को सेम बनाएं, ठीक है। तो जब हम इनको सेम बनाएंगे तो सबसे पहली चीज होगी कि लीटर को किससे बदलना है, मिली लीटर में, तो बिल्कुल सीरीज काम आएगी, तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर और फिर डेसी, सेंटी, मिली मीटर। अब आपको पता है, मैंने बताया था लीटर ले लो, तो लीटर हम यहां लेंगे, ठीक है, लीटर हम वहां लेंगे और लीटर वहां लेंगे, और बदलना किसमें है, एमएल में, यानी हम नीचे आएंगे, तो नीचे जब आएंगे तो एक दो तीन, तीन स्टेप नीचे आएंगे, मतलब 3 लीटर में कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 1000 से, तो ये किसमें बदल जाएगा, एमएल में बदल जाएगा, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा पूरा, 3000 ml को 50 ml की बोतलों में भरना है, तो आप खुद कर क्या कर सकते हो, सीधे सीधे इसमें क्या कर देना होता है, हम भाग देंगे ml से, तो ml कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 50 से काटोगे 6 और 0, यानी 60 बोतल में ये पूरा दूध क्या हो जाएगा, हमारा भर जाएगा। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, 2 तरीके हैं। अगर आपको ऐसे याद हो रहा है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, अब वो दोनों कौन है आपको ढूंढिएगा, पता लगाइएगा, लेकिन ट्रिक यही है कि कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, अगर आपको याद करना है तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर दैट इफ 4 लीटर के, देखो 4 लीटर के दूध को 250 ml के बोतलों में भरना है, के बोतलों में भरना है, तो देखो ये ml है, इसको ml में बदल दो, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि लीटर से मिलीलीटर बदलने में 1000 से गुणा कराते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा 4000 डिवाइडेड बाय 250, काट दो 25 बटे 200, तो ये 16 बार में, यानी 16 बोतल हो जाएंगे आपके, बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है स्क्रीन पे, 2 लीटर को 250 ml से 250 ml के कितने लगभग
ml के पांच बोतलों में भरा जाता है। ध्यान से समझना, 2 लीटर के दूध को पहले, सबसे पहले 250 ml के पांच बोतलों में भर दिया जाता है। और देखो 250 ml का मतलब क्या हो गया कि एक पाव, और अगर हम पांच बोतलों में भर देंगे तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, तो 1 लीटर और 250 ml दूध जो होगा वो हम भर देंगे। बचेगा कितना, तो बचेगा 750 ml। फिर लिखा है कि 250 ml के पांच बोतलों में भरा जाता है, शेष दूध को 50 ml के बोतलों में भरा जाता है। तो इसमें जब आप 50 से भाग दोगे तो 15 बचे 75, यानी शेष दूध जो होगा वो 15 बोतलों में आ जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि कुल बोतल कितने होंगे, तो 15 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, तो 20 बोतल के दूध आपको लगेंगे। ये इंपॉर्टेंट सेशन था दोस्तों आपसे रिलेटेड, क्योंकि जो चेंजेबल प्रोसेस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोवर हियर दैट। अब इसी तरह से आपका एक और चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जो कि एक एक जो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस चीज को समझिएगा। नेक्स्ट जो हमारा चीज दिया गया है वो ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि एक घन मीटर, ध्यान से समझना, एक घन मीटर में कितने सेंटीमीटर, ठीक है, कितने घन सेंटीमीटर, कितने घन सेंटीमीटर, क्या करना होता है, कुछ नहीं, घन मीटर को मैंने अभी बताया कि हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर का क्यूब, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इसका क्यूब करोगे दोस्तों तो आपको देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो 3 बार मिल जाएगा इस तरह से, और फिर इसको लिख देंगे सेंटीमीटर। तो चेंज करने के तरीके समझो। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि 5 वर्ग मीटर में, 5 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर, तो फिर आपको क्या करना है, देखो 5 वर्ग मीटर आपसे पूछा, यानी 5 मीटर का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा 5 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 मीटर को 5 × 1 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 5 को हम बाहर ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं 1 मीटर का होल स्क्वायर। तो बाकी 1 मीटर वाली प्रोसेस आपको पता है कि हम सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और लास्ट में हम इससे गुणा करा देंगे 5 से, तो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपका आंसर आ गया 5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 वर्ग सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है कि वर्ग मीटर में बताओ, तो आप खुद देखो कि ये वैल्यू छोटी थी ये बड़ी है, सेंटीमीटर यहां है मीटर यहां है, यानी हमें ऊपर जाना है। तो अभी तक जो हम यहां पे गुणा कर रहे थे, अब वो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 5 को 5 ऐसे ही रहने दो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये जो 5 है ये 5 को ऐसे ही रहने दो, और इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 को यही रहने, अच्छा सेंटीमीटर को बदलना किसने, मीटर में, तो कितने इसके ऊपर जाना है, 1 2, ऊपर जाने का मतलब भाग करना है, 1/100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, देखिए हो जाएगा 5 × 1/2, ये 2 जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, और ये सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये हम काट पीट के जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको सेशन समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज एक लाइक बनता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सी चीजें नहीं समझ आई। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने 2D को, अपने 3D को, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था इसीलिए मैंने इसको डिलीवर किया। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।